अष्टम महागौरी, नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी के दर्शन करने से, पूजन करने से, उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप होते हैं वे सब मिट जाते हैं। यह गौरी चार हाथों वाली है और इनकी एक हाथ में त्रिशूल है और डमरू भी है। यह शत्रुओं का संहार भी करती हैं और भक्तों को अभयदान भी देती हैं। इनका वाहन बैल है जो बर्फ से दिखाई देता है। स्वयं महागौरी का सौंदर्य भी श्वेत संघ के समान है, अति सुंदर है। गौरी सभी जन्मों के पापों से भक्तों को मुक्त कर देती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराती है। इसलिए आज सभी भक्तगण व्रत रहे और महागौरी की उपासना स्वविधि से करें। लाल एवं सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं या लाल और सफ़ेद पुष्प की मालाएं चढ़ाएं और विभिन्न प्रकार की मिष्ठान को चढ़ाएं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा मिथ्या ना बोले आज तो सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है।